अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और चैनल देख रहे होंगे, सीख भी रहे होंगे। आज मैं आपके एक और नज़र आपके सामने पेश करूंगी शाम के उन्वान से। ये हफीज जालंधरी की एक उनकी नज़म है और बहुत खूबसूरत मंज़र है शाम का और बहुत खूबसूरत अल्फाज है। ज़रा गौर से सुनने की ज़रूरत है कि अल्फाजों का एक जो चुनाव है और वो तशबीह है इसके अंदर, एक बहुत खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, मंज़र को बताया है आपको कि शाम जिस वक्त होती है उस वक्त क्या हाल होता है, लोग क्या सोच रहे थे। क्योंकि शाम उमूमन थोड़ी सी उदास होती है, थोड़ी सी, क्योंकि सारे दिन के काम से इंसान थक चुका होता है और थोड़ा सा रोशनी कम हो रही होती है तो इंसान आज कुदरती तौर पे थोड़ा सा चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है। शाम का एक अजीब सहर है। तो बड़ा खूबसूरत अल्फाज में उन्होंने आपको बताया है शाम का मंज़र कि रफ्ता रफ्ता सुर्खियों पे छा गया काला गुबार। सुर्खी का मतलब है जो शाम ढल रही होती है, रेडनेस होती है उसकी, जो एक लाली होती है उसके ऊपर जो है एक काला गुबार यानी कि मिट्टी सी जैसे छा जाती है। मिट गया रंग शफक मुरझा गया ये लालाजार, यानी कि फूल पौधे भी जो है जब रोशनी नहीं होती है तो कुछ भी नहीं नज़र आता है और फिर वो अंधेरा सा नज़र आ रहा होता है। नूर के जनी ऐवानों में ताले पड़ गए, अरगवानी बदलियों के रंग काले पड़ गए, यानी कि जो रंग बिरंगी जो बादल थे उनके रंग भी फीके पड़ गए और काले नज़र आने लग गए। शाम आई खामोशी का जाल फैलाए हुए, साहिरा बैठी है काले बाल फहराए बिखराए हुए। जैसे काले बाल जो है कोई एक शायरी में औरतों का नाम इस्तेमाल किया जाता है तो वो के एक खूबसूरत कोई औरत है जो कि जिसके काले बाल हैं वो काले बाल फैला के बैठी हुई है। बेजबान खामोशियां जागी, सदाएं सो गई, शोरिश चुप हो गई खामोशियों में खो गई, शोरिशें चुप हो गई खामोशियों में खो गई, यानी कि बेजबान खामोशियां जागी, यानी कि जो चीज़ें चुप नज़र आती हैं, मतलब सारा दिन चुप होती हैं लेकिन उस वक्त आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, लोग खामोश हो जाते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट ख़त्म हो जाती है लेकिन आपके दिमाग के अंदर एक शोर चल रहा है। आपके दिमाग के अंदर कभी शोर ख़त्म नहीं होता, ये याद रखिए। बहुत सारे जो शोर हैं वो चुपचाप खामोश हो जाते हैं, हर चीज़ चुप हो जाती है लेकिन कुछ चीज़ें शोर आपके दिमाग के अंदर होता होता है। सारे दिन की रुदाद होती है, बहुत सारे बातें होती हैं जो आपके दिमाग के अंदर चल रही होती हैं। कोह जुल्मात की परियों ने पर फैला दिए, हर तरफ तारीख दामन खोल कर फैला दिए। कोह पर जुल्मात यानी कि कोह मतलब पहाड़ों पर जो है जुल्मात या अंधेरों ने जो है अपने पर फैला दिए, उसको तो उससे तशबीह दी है उन्होंने। झाड़ियाँ काली रदाएँ ओढ़ कर चुप हो गईं, बंद कलियाँ अपनी खुशबू से लिपट कर सो गईं, यानी झाड़ियाँ जो आपको नज़र आ रही होती है दिन में ज़रा चमकती हुई, ज़रा ग्रीनरी नज़र आ रही होती है तो चुपचाप खामोश होकर बस बैठ गई हैं वो अंधेरे की वजह से और कलियाँ बंद हो जाती हैं। उम्र बहुत से पौधे आपने देखा होगा जो जिनकी कलियाँ बंद हो जाती हैं रात के वक्त, शाम के वक्त आप कुदरती अल्लाह का इंतजाम। इस तरह ऊंचे पहाड़ों में घिरी हैं वादियाँ, जिस तरह देवों के घर में कैद हों शहजादियाँ, यानी कि वादियाँ जो है वादियों के मंजर तो आपने देखे होंगे, टीवी पे भी देखे होंगे, तस्वीरों में भी देखे होंगे, तो वो जो है ऐसा लगता है जैसे जिन्होंने इनको कैद कर दिया और शहजादियों को। मंजर कोहसार पे इस दम ये होता है गुमा, ऊँट हैं बैठे हुए उतरा है कारवां, यानी कि जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ अंधेरे में जिस वक्त आपको नज़र आ रहे होते हैं थोड़ा सी रोशनी होती है हल्की फुल्की तो उस वक्त आपको कैसे नज़र आ रहे होते हैं, तो आप कैसे नज़र आ रहे होते हैं जैसे ऊँट के जो कुब होता है कहान जो होता है वो अंधेरे में अगर हो तो आपको ऐसा लगे जैसे पहाड़, तो आप ऊँट का से तशबीह इन्होंने दी है कि सहरा में जैसे रुक जाते हैं, सारे सहरा में कारवां रुक जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ों पर अंधेरा इस तरह छा गया है, तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई ऊँट बैठे हैं सहरा के अंदर।
या घटाएं हैं कि उन्हें सरू होकर जम सर्द होकर जम गई, या घटाएं हैं कि उठी सर्द होकर जम गई, और या फिर आंधियां हैं चलते चलते थम गई। मतलब ये कि घटाएं भी जो हैं वो अपनी जगह रुक गई हैं, और फिर आंधियां भी जो हैं वो चुप हो गई हैं, खामोश हो गई हैं। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत जो है जो मंजरकशी की है शाम की, और हफीज़ जालंधरी जो हैं आप उनके हवाले से जानते होंगे कि वो उन्होंने कौमी तराना के खालिक हैं, हफीज़ जालंधरी कौमी तराना उन्होंने लिखा। और हफीज़ जालंधरी जो हैं वो कमाल हासिल है उनको, उबूर हासिल है अल्फाजों पे जो कि वो मंज़र बयान करते किसी भी चीज़ का, ये खूबसूरती का एक उनकी और नज़में हैं बहुत जो हैं तराने हैं जो कि बहुत मशहूर हैं और बेहतरीन शायर थे अपने वक्त के हफीज़ जालंधरी, और शायरी को उन्हें पूरा पूरा उबूर हासिल। आपको यकीनन बहुत अच्छी लगी होगी और हम आपके साथ इस तरह की शायरी मजामीन और सब चीज़ें लेके आपके सामने आते रहेंगे ताकि आप कुछ सीखते रहें, और यकीनन आपको ये शाम का मंजर जो है अच्छा लगा होगा। अब आप कभी शाम को देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि हफीज़ जालंधरी ने शाम का मंजर किस तरह पेश किया था, आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। शुक्रिया, देखते रहिएगा उर्दू चैनल। अल्लाह हाफिज़।